नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। राष्ट्रीय युवा लोजपा के तरफ से देखिए, अब बिहार में अपनी पार्टी और अपने संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए यात्राएं जो हैं उसकी शुरुआत हो रही है और इसी यात्रा के तहत पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से ये जानने की कोशिश करेगी कि पार्टी में और क्या सुधार होना चाहिए और कैसे इसको मजबूती प्रदान किया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियां जो हैं वो लेंगे। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो क्या ये कार्यक्रम है, कैसे ये कार्यक्रम होगा, किस तरह से, ये हम चाहेंगे कि आप तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए, हम लोग एक कार्यक्रम का शुरुआत कल 15 दिसंबर है। कल 15 दिसंबर को राष्ट्रीय युवा लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पूरे बिहार में भ्रमण करने का निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम रखा है कि राष्ट्रीय युवा लोजपा चला आपके द्वार, है ना। मतलब कि हम लोग जा कर के हर जिले में, हर प्रखंड में और कार्यक्रम को करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को बताने का काम करेंगे। और आदरणीय हम लोग के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका जो विचार था, उनके विचारों को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे तो लोग पूरे देश के लोग जानते ही हैं, इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो कुछ रह गया है उसको हम लोग गांव-गांव तक पहुँचाएँगे और अपने जो संगठन है युवा लोजपा का, जो उस संगठन को हम लोग पूरा धारदार बनाएंगे। और चूँकि जाने के बाद लोगों में तरह तरह की बात होती है, अगर कुछ कमियाँ भी होती है, किसी तरह का कोई समस्या होता है या किसी तरह की कोई कमी है, तो उसको भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय युवा लोजपा की तरफ से एक कमेटी का भी हम लोग गठन करेंगे, जो कि वो कमेटी बिहार में अगर किसी भी ज़िले में या कहीं भी किसी तरह की कोई, भगवान न करे कि कुछ हो, लेकिन किसी तरह का घटना होती है या कोई समस्या होती है, तो उसको भी हम लोग निदान करने का काम करेंगे बिहार स्तर पर। और ये कार्यक्रम हम लोग कल से शुरुआत कर रहे हैं। कल मेरा पहला चरण का शुरुआत है, वो भागलपुर से है, भागलपुर से हम शुरू कर रहे हैं, भागलपुर, इसके बाद बेगूसराय, इसके बाद खगड़िया, फिर दूसरे चरण में हम लोग का बेतिया, मोतिहारी, बगहा, मतलब कि इस तरह से चरण बाय चरण इस तरह से लगातार मैं भी देखता आ रहा हूँ और हमेशा आपकी खबरों को मैंने किया है। तो जिस तरह से आप जो हैं युवाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं, तो इस यात्रा के दौरान आपका मेन फोकस होगा युवाओं को और आने वाले चुनाव में युवा और आपकी पार्टी कैसे मजबूती प्रदान करे, इस पर भी फोकस होगा। देखिए, युवा जो है पहले ही से लोक जनशक्ति पार्टी, जब अब तो दो भाग में बट गई है, लेकिन पहले से ही युवा जो है लोजपा के साथ रही है और हमारी जो फोकस वो हमेशा रहा है कि युवाओं की लड़ाई लड़ना या युवाओं की किसी तरह की भागीदारी दिलाना। तो युवा आयोग का मांग राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने पहले ही करने का काम किया है। कई एक बार हम लोग आंदोलन भी किए इसमें कि राष्ट्रीय स्तर पे युवा आयोग का गठन हो ताकि युवाओं की जो समस्या आती है उसका निदान हो सके। जिस तरह से अति पिछड़ा आयोग है, स्वर्ण आयोग है या फिर बहुत सारे आयोग बने हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो। इसके बाद युवाओं को कम ऋण पे उन लोगों को जो है सो कि लोन मुहैया कराया जाए ताकि जो युवा हैं, जो कम उम्र के युवा हैं, जो पढ़ लिख करके घर बैठे हैं, उनको अगर 0% ब्याज पे अगर ऋण मुहैया कराया जाता है तब वो कुछ अपना कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। इस तरह का कार्य हम लोग आगे भी मैंने बताने का काम करेंगे और चलाएँगे। सबसे बड़ी मुद्दा है राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन, क्योंकि पहले हम बहुत दिनों से कहते आए हैं और इसके लिए हम लोग कार्य भी किए हैं और इसके लिए युवाओं में भी बहुत तत्परता रहती है कि नहीं इस तरह का, चूँकि युवाओं में कहीं समस्या आता है तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे कोई समाधान की ऑप्शन नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्य जो युवाओं के रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है, इस तरह का अगर कार्य होता है तो युवाओं में और उत्सुकता बढ़ेगी और हम लोगों के साथ जो जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हों वो भी आकर के जुड़ेंगे और संगठन को बाकी हम लोग आगे विस्तार से गांव-गांव तक जा करके, पंचायत तक जा करके हम लोग पंचायत लगाने का काम करेंगे और हर द्वार राष्ट्रीय युवा लोक जनशक्ति पार्टी द्वार पर जा करके किसी की समस्या होगा उससे सुनने खड़ी करें। तो साफ तौर पर देखिए, राष्ट्रीय युवा जो पार्टी है और राष्ट्रीय युवा को किस तरह से अपनी पार्टी में और धार देने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लगातार जिस तरह से हम लोग के साथ जो है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पासवान जी हैं, अंकित दुबे जी हैं, राकेश त्रिपाठी जी हैं, शेखर कुशवाहा जी हैं, तमाम लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सब लोग साथ चल रहे हैं और पूरे बिहार इन लोग सब लोग भ्रमण करेंगे। चलिए,
तो साफ तौर पर आपने जाना कि पार्टी और इस पूरे संगठन को कैसे उपेंद्र जी अपने नेतृत्व में लेकर मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो उनकी जो यात्राएं होंगी कैसे वो होगी, वो भी तस्वीर और तमाम चीजों को आपके सामने हम रखेंगे। सहयोगी शेखर घोष के साथ में देवाशीष कुमार, फर्स्ट बिहार, झारखंड, पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।